हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनिम ट्रांसफ़र करना बताऊंगा कि किस तरीके से एनिम ट्रांसफ़र करते हैं, एक एनिमेशन दूसरे कैरेक्टर पे किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखिए, एक मेरा ये छोटा सा एनिमेशन है, डांस स्टेप है, और ये एनिमेशन जो है मेरे को दूसरे वाले कैरेक्टर पे ट्रांसफ़र करना है। तो किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं वो मैं आपको टिप्स बताऊँगा कि किस तरीके से हम लोग एनिम को एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पर ट्रांसफ़र करते हैं। कोई भी एक कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा ग्लोबल कंट्रोलर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड पे अप एरो को हम लोग प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, मेरा पूरा कैरेक्टर जो है सेलेक्ट हो गया इस तरीके से। अब हम लोग जाएंगे फाइल के अंदर, यहाँ पे देखेंगे पे एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पे फाइल टाइप में देखेंगे तो यहाँ पे एनिम का एक हमारा एनिम एक्सपोर्ट का कमांड आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो इसके कुछ ऑप्शंस बॉक्स है, यहाँ पे सेटिंग होती है। तो यहाँ पे जो हमारा जो फाइल टाइप होगा क्या होगा, डबल होगा, 17 होगा, ठीक है ना। जो प्रिसीजन होगा वो 17 डबल रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बिलो रखेंगे, जो हमारी हायरार्की टाइप होगी वो बिलो होगी, क्योंकि हमने नीचे से सेलेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ आए हैं। और यहाँ पे हम लोग रखेंगे जो टाइम रेंज है, टाइम रेंज को ऑल कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर ले, उसके बाद हम लोग पाथ दे देंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे रिजल्ट आ गया हमारा डेस्कटॉप पे, anim.anim के नाम से एक हमारी जो है एनिमेशन फाइल एक्सपोर्ट हो गई। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा एनिम जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, ये एनिम होता है एक्सपोर्ट, कभी कभी नहीं मिलता है। तो हमें विंडो में जाके सेटिंग प्रेफरेंस के अंदर, जो हमारा प्लगइन मैनेजर है, यहाँ पे जाएंगे, जब एनिम लिखेंगे ये देखिए, तो यहाँ पे एक हमारा प्लगइन होता है एनिम एक्सपोर्ट का, तो इसको हम लोग इनेबल करते हैं, चेक करेंगे तभी यहाँ पे शो करेगा। अगर ये डिसेबल रहेगा तो यहाँ पे ये एनिम जो हमारा एनिम का ये ऑप्शन है यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक बार आके प्लगइन मैनेजर में भी इनेबल करना होता है इस कमांड को, ठीक है दोस्तों। अब हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है एनिमेशन। अब हम लोग सेम प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हमने एनिमेशन निकाला था उसी प्रोसेस से हम लोग एनिमेशन को इम्पोर्ट करेंगे। तो हम अप एरो करके इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे कैरेक्टर को, देखिए इस तरीके से। अब जाएंगे इम्पोर्ट के ऑप्शन में, अब यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे वही फॉर्मेट जो हमने सेलेक्ट किया था एनिम। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एनिमेशन जो है यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है, यहाँ पे कैरेक्टर हमारा आ गया। अब इस कैरेक्टर को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इस जगह, ठीक है दोस्तों। देखिए इस तरीके के मैं रख लेता हूँ। अब जो मेरा कैरेक्टर है, दोनों को एक साथ मैं इस तरीके से कि आप लोग देख सके कि किस तरीके से जो हमारा एनिम है, जो एनिमेशन है, ये एक्सपोर्ट हुआ है। ये देखिए दोस्तों, तो सेम एनिमेशन जो हमारा है एक्सपोर्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ये हमारा इस तरीके से एनिम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। ये बहुत ही यूजफुल कमांड होता है दोस्तों, तो यूज़ करिए इस कमांड को। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।